हर साल की तरह इस साल भी मुंबई में रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3141 की तरफ से रोटरी साइकिलिंग रैली फॉर डायबिटीज़ का आयोजन बड़े ही शानदार तरीके से किया गया, जहां पर सैकड़ों साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। तो वहीं इस मौके पर सैकड़ों रोटेरियन भी मौजूद थे। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर आए हुए मेहमानों ने इस साइकिल रैली के बारे में क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पीछे आना हो यार, क्या कर रहे हो, जाना है क्या? क्या फ्रेम बनाया, ब्यूटीफुल। तलवार, आई एम द डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 3141 फॉर द ईयर 1920। Taking cognizance of the fact that India is soon becoming the diabetes capital of the world, Rotary has taken upon itself as a thrust area to spread diabetes awareness and do the best it can to help society get control on this disease. While we've been holding diabetes checkup camps at various locations all over India, Dr. K.K. Mehta, Rotary Club Mumbai South, Sonu Chowdhury, Nargis. This is an additional initiative, a novel initiative of organizing a cycling rally to promote awareness amongst the public. Diabetes being a lifestyle disease, it can very much be controlled if we can control our lifestyle. My compliments to Dr. K.K. Mehta and Rotary Club of Mumbai South for this wonderful initiative. President Rotary Club of Mumbai South. Today is a big show in this chilly morning. We have gathered here to create an awareness of diabetes. And Rotarian, our stalwart, Dr. K.K. Mehta, since many years he's been organizing such type of rallies for the diabetes and to create the awareness all over India. We want to make a diabetes-free country, like how polio has been done. So we are very much grateful that he always organized not only this cycling rally but other seminars all over India and abroad to make this diabetes free country. Thank you. Diabetes, आपको पता है, बहुत खतरनाक disease है. लगती कुछ नहीं है, है मीठी लेकिन काटती है. मुश्किल क्या है डायबिटीज़ के साथ में कि जब इंसान की उम्र पहुंच जाती है 40 के आसपास और जब चीज़ें लगती हैं कि सब कुछ कितना सुंदर है, उसी वक्त डायबिटीज़ आगे खड़ी हो जाती है और उसकी जो आगे पहुंचने पहुंच है वो पहुंच काटी जाती है. इसलिए हमेशा हमें ये फिक्र लग रही है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल कराया जाए. मुंबई में सबसे सब मुंबई का कैपिटल है डायबिटीज़ का, इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा है, यहाँ पे लोग दौड़ फार करते हैं, यहाँ पे भागा भागी चलती है और इस कारण से यहाँ पे डायबिटीज़ का प्रिवेलेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा है. इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल करिए, खाना पे हाथ रखिए, एक्सरसाइज ज़्यादा करिए, साइकिलिंग करिए, जो हम रैली अभी आज कर रहे हैं, और ये चीज़ें लोगों को पता लगना चाहिए. क्या होते हैं कि सुबह सुबह उठ जाते हैं, सोफ़ा पर बैठते हैं, टीवी ऑन करते हैं, काम करके वापस आके वही सोफ़ा पर आके बैठ जाते हैं. इस कारण से ये तकलीफें होती है. लोगों को पता लगना चाहिए कि बाहर निकलो, घूमो फिरो, चलो, तब ये चीज़ें कंट्रोल में होती है. ये रैली का ये फ़ायदा ये होता है कि सबको पता लगे कि जो साइकिलिंग जैसी चीज़ है वो बहुत हेल्थी है, इससे फ़ायदा होता है, कोई ख़ास खर्चा भी कुछ नहीं होता है और उसके बाद में तबीयत में बहुत सहल हो जाती है. रोटरी के ज़रिए से हम यह डायबिटिक रैली कर रहे हैं और ये दिखाने चाहते हैं कि रोटरी केयर्स फॉर इट्स पीपल. थैंक यू. ओके सर, रूट की कहाँ से कहाँ तक होगा, ये रूट क्या होगा इसका?
यहाँ से हम जा रहे हैं शिवाजी नगर दादर पे, वहाँ पे टर्मिनेट करेंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जो साइकिलिस्ट होते हैं आजकल काफ़ी स्पीड में जाते हैं, वो करीब 1 घंटा 15 मिनट 1 घंटा 20 मिनट में पहुँच जाएंगे, वहाँ पे सब कुछ पड़ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली कितने साइकिलिस्ट हैं आज? हमने रजिस्टर किए हैं 2100, लेकिन आमतौर पर करीब 40% आते हैं, मतलब करीब हम सोचें कि करीब 1000 के आसपास आ ही जाएंगे टोटल। ऑलरेडी करीब कुछ 750 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी तो लोग आ रहे हैं दोनों सर, अब देखो कि साइकिलें आ रही है तो हो सकता है कि 1000 तक तो आराम से पहुंच जाएगी। ये हर साल बढ़ता जा रहा है, ये अपना 4th साल है और हर साल नंबर बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू।